अब एक दिन की तो बात है नहीं कि एक दिन गर्मी आए और चले गए। गर्मी तो भाई अपना रंग दिखाएंगे, जैसे 4 महीना जाड़ा दिखाते हैं उसी तरह से 4 महीना गर्मी को दिखाना है। तो यहाँ पे गर्मी 4 महीना नहीं रहेंगे, 8 महीना रहते हैं। कैसे? जैसे अगस्त तक रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे खाना के लिए डिमांड तो भाई डेली का है, खाना बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? कितना बाहर से लोग खाएंगे, घर का ही खाएंगे ना, कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। तो आज हम सोच ही रहे थे कि आज के नाश्ते में हम क्या बनाएं, तो हमारे बच्चे हमारे हस्बैंड जी दोनों मिलके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। क्या सॉल्व कर दिए? बता दिए टिप्स कि ऐसे ऐसे बना लो, एकदम आसान सा रेसिपी है। तो हम सोचे जब रेसिपी हम बना ही रहे हैं क्यों ना हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। चलिए इतना सारा सामग्री तो देख ही रहे हैं, कैसे बनेगा कब बनेगा चलिए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मीना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे एक ले लिए सर्विंग बाउल, कोई भी थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, और इनमें हम लेंगे 1 कप पानी। भाई ना पीसने का झंझट, ना गुथने का झंझट, ना ही कोई इन्हें डो तैयार करना है, बस खोलो बनाओ, बन गया नाश्ता। यहाँ पे लेंगे सबसे पहले पानी में 2 चुटकी हींग, और हींग के साथ ही हम लेंगे यहाँ पे कुछ स्वाद अनुसार नमक, तो अपने हिसाब से नमक लीजिएगा, थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब काला नमक फटाफट ले लेंगे। इसमें लेंगे हम तिल 1 छोटा चम्मच, इसी में लेंगे हम कूटा हुआ लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, इसी में लेंगे हम चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। बस खोलो और बनाओ, बनाए ना बताए ना, बस सेम उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे 2 हरी मिर्च चॉप किया हुआ लेंगे, इसी में हम लेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ता चॉप किया हुआ ले लेंगे, इनको हम सबको ले लेंगे, काहे बेकार जाने दे। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हम हरा धनिया चॉप किया हुआ ले लेंगे। अभी हम क्या करेंगे कि सबको पहले अच्छे से मिला लेते हैं पूरे पानी में इस तरह से। तो अब हम इनको अच्छे से मिला लिए हैं, और इनमें हम लेंगे आधा कप सूजी। ध्यान से देखिए, 1 कप पानी, आधा कप सूजी, और यहाँ पे लेंगे हम आधा कप बेसन। तो आधा कप सूजी लेंगे, आधा कप हम बेसन लेंगे। आपकी इच्छा हो, अगर बेसन ना लेना चाहें इसके जगह पे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, हम बेसन ले रहे हैं, और आधा कप बेसन। अब सबको हम घोल लेते हैं। फ्रेंड्स इतना दूर आ गए, आप लोग से तो रिक्वेस्ट करना ही हम भूल गए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो आप लोग देख रहे हैं प्लीज वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और रेसिपी को ढेरों सारा शेयर करें फ्रेंड्स। हाँ, यही रेसिपी अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए यहाँ पे खोलो बोलो बनाओ, हम रेडी कर रहे हैं फटाफट से। तो यहाँ पे इनको अच्छे से गांठ गुठली दूर कर ले रहे, तो अब जरूरत लगे आपके बेसन के हिसाब से, सूजी के हिसाब से, बेसन थोड़ी दरदरी है, सूजी थोड़ी मोटे वाली है, तो थोड़ा ज्यादा 1-2 चम्मच पानी लग सकते हैं। हमारी बारीक वाले हैं तो परफेक्ट पानी लिए 1 कप। अब यहाँ पे कुछ और लेंगे हम वेजिटेबल में। वेजिटेबल में हम क्या लेंगे, तो 1 कटोरी ये है प्याज। प्याज आप रफली किसी भी तरह कट सकते हैं, मोटा महीन किसी भी तरह से। 1 कटोरी हम लेंगे ग्रेटेड गाजर। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे एकदम बारीकी गाजर को हमको ग्रेट करना है और एकदम मोटा करना है। तो भाई एक कच्चे आलू से रेसिपी हमें बनाना है तो बोलिएगा, अभी तक तो दिखाई नहीं मैम। तो बस आप लोग बार बार वीडियो में बोलते हैं ना, मैम ये काम तो आप पहले ही से करके रख सकती थी, तो आज हम पहले से ही करके रख लिए। 1 आलू को ग्रेट करके धो करके छान करके ले लिए हैं पूरा 1 आलू। 1 आलू से हमारा ढेर सारे नाश्ता बन जाएंगे। तो आज आप लोग का शिकायत दूर कर दिए कि भाई पहले से ही सब मीना मैम रेडी करके रखी हैं, इनको मिला ले। तो भाई यहाँ पे मिक्सर से मिलाना मूर्खता होगा, होगा ना, क्योंकि अच्छे से मिलेंगे नहीं यहाँ पे। तो चलिए इनको हम क्या करेंगे, मिक्सर हटा दिए, यहाँ चम्मच ले लेंगे, चम्मच के सहारे इस तरह से मिलाएंगे। तो देखिए हमारा पानी और सारे सामग्री यहाँ पे अच्छे से बराबर में है। और हाँ, फिर से रिक्वेस्ट कर लूँ यहीं पे, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अब बोलिए घंटी क्या है मैम? तो घंटी इसलिए है कि आप लोग इतना प्यार करती है, अगर आपके पास हमारी वीडियो नहीं जाएगा तो फिर बताइए सब बेकार हो जाएगा बना हुआ। तो इसलिए घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें, कैसी लगती है हमारी वीडियो, आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई। और यही रेसिपी हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें। चलिए इनको शुरू करते हैं। इनमें ना दही लिए है, ना सोडा लिए है, ना इनो लिए है, ना कोई बेकिंग पाउडर लिए है, और ना ही इन्हें कोई रेस्ट पे रखना है। तो चलिए फटाफट फटाफट से आ गए हम गैस के पास। अब गैस को कर लेते हैं ऑन, रख देते हैं इस पे पैन,
पैन रखने के बाद हमको क्या करना है कि इनमें ज्यादा नहीं, बस एक चम्मच के करीब तेल लेना है, बस तेल इतना ही लेना है हमको। अब यहाँ पे एक छोटा चम्मच लेते हैं साबुत जीरा और एक छोटा चम्मच लेंगे हम काला वाला राई। आपके पास महीन वाला भी होगा ना, ब्लैक राई जो अचार में पड़ते वो भी ले सकते हैं। हमारे पास यही राई थे तो अब इन्हीं को ले ले। अब इनको अच्छे से चटकने देते हैं। अब जीरा और राई अच्छे से यहाँ पे देखिए चटक गए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को कर देंगे एकदम स्लो। स्लो करने के बाद हम चलाते हुए सारे बैटर को ले लेंगे। देखिए सबको हम चलाएंगे अच्छे से, जब तक चलाना है तब तक ये अच्छे से डो फॉर्म में ना हो जाए। अब क्या करना है कि इनको इतना अच्छा से चलाना है एकदम, देखिए लो फ्लेम पे हम आपको दिखाते हैं, एकदम मतलब लो फ्लेम पे चलाइए ताकि ये अच्छे से पक जाए और इन डो फॉर्म में ये तैयार हो जाए, तभी हमारा रेसिपी और क्रिस्पी भी बनेगा। देखिए यहाँ पे कैसे चलाना है, देखिए पैन को छोड़ने लगेंगे इस तरह से, एकदम डो बन जाएंगे। यहाँ पे इसी तरह से एक दो मिनट और हम पकाएंगे इनको। अब दो मिनट बाद डो को देखिए किस तरह से तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम एकदम इनको, जैसे लग रहा ना आटा हम गूंथ करके रेडी कर लिए हैं एकदम, ये हो गए हैं तैयार। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से फैलाएंगे, गैस कर देते हैं ऑफ और इतना ठंडा करेंगे कि ये हमारे हाथ में सहने लगे। अभी नहीं ना छुआ जा रहा है तो हाथ में पकड़ में आ जाए, तो बस इतना हमको ठंडा करना है। आप चाहे तो पंखे के हवा में ठंडा कर ले या नॉर्मल टेम्परेचर पर इन्हें ठंडा कर ले। अब यहाँ पे लोकेशन चेंज, क्योंकि किचन में बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी, गर्मी से एकदम हालत खराब हो रहा था। आप लोग देख ही थे कि कितना पसीना आ रहा था, तो बस थोड़ी सी पंखे के हवा में आई हूँ हॉल में। तो यहाँ पे देखिए ये छूने लायक हो गए हैं थोड़ा, तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे हाथों पे और थोड़ा सा इन्हें मसलेंगे इस तरह से, ताकि ये और चिकना स्मूथ बन जाए डो। इसी में मल ले रहे ताकि इसमें मेरा अच्छे से हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इनको मलेंगे, मात्र एक मिनट के करीब अच्छे से स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। तो स्मूथ डो यहाँ पे बना करके हम रेडी कर लिए हैं एकदम अच्छे से, देखिए कितना बढ़िया से चिकना बने। अब नए बिगिनर के लिए आपको एक सेम साइज बनाना है, तो यहाँ से आप क्या करें कि चम्मच से ले तो आपको एक साइज बनेंगे और थोड़ा सा हथेली पर इस तरह से तेल लगा लें, तो इस तरह से क्या होगा ना कि अच्छे से हमारा रेसिपी एक साइज में तैयार होंगे। अब देखिए हमारे बच्चे के यहाँ, मतलब हर बच्चे का, हमारे बच्चे नहीं भाई, सभी बच्चे को ये वाला जो शेप है ना सबको पसंद है, सारे बच्चे को पसंद है। देखिए एक चम्मच में बस इतना अच्छा सा मिल गया ना। अब अंदाजे से इस तरह से अगर हाथ से हम तोड़ते हैं तो हम लोग का अंदाजा है, हमारे नए बिगनर को नहीं अंदाजा है, तो उनके लिए एक चम्मच है। चलिए आज चम्मच से ही डो लेते हैं, बनाते हैं। देखिए कितना बढ़िया से हमारा सिलेंडर आकार में ये बनकर तैयार हो गया, देख रहे हैं। अब एक थाली में इनको हम रखते जाएंगे, इसी तरह से सबको हम बना लेंगे। थोड़ा सा हाथ पे तेल लगाएंगे, थोड़ा सा चम्मच से डो लेंगे, एकदम नाप का ही आएगा आपका एकदम। अब थोड़ी हवा से तो कूलिंग कूलिंग से अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा, लेकिन ये तो रेडी हो गए हैं, कह रहे हैं चलो भट्टी के पास, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर तेल पहले से ही हम गर्म होने के लिए रख दिए थे, क्यों? क्योंकि सारा चीज हमारा पका हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए। तो हमें यहाँ पे तेल एकदम गर्म चाहिए, अच्छा गर्म चाहिए, तो तेल में धुआं निकले ऐसा तेल चाहिए। अगर ठंडा तेल में आप डाल देती हैं एक तो पूरा तेल पी जाएगा और बिखर भी सकता है, ये चीज ध्यान से सोच लीजिएगा। अब चलिए हम एक पीस डाल के देखते हैं, सबसे पहले एक ही डालेंगे और देख लेते हैं इनका हाल समाचार। थोड़ी देर रुकिए आप लोग भी, देखिए इनको, और किसी भी चमचे से आप इनको हिला डुला करके देखिए, तो देखिए ये नहीं बिखरने वाले हैं। तो इसी तरह से एकदम हाई फ्लेम पे गर्म करें और जितना कढ़ाई में आए ना उतना ही ले लीजिए, उतना ही हम ले लेते हैं। हम इनको हल्के हल्के चलाएंगे, तो देखिए बिना छुए हुए ये कितना बढ़िया से ब्राउन हुए ना। बस इनको इसी तरह से हाई फ्लेम पे आपको फ्राई करना है और निकालना है, जरा सा भी आप मीडियम करेंगे ना ये बिखर जाएगा, पूरा तेल ये पी जाएगा, और हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे ना तो बिल्कुल तेल नहीं पियेंगे। और चलिए ये बातें करते करते ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं, इनको हम तेल से बाहर निकालते हैं। तो सबको हम निकाल लिए हैं और फिर से तेल ठंडा हो जाते हैं, कुछ भी आप डालते हैं कच्चा चीज ना तेल ठंडा हो जाते हैं, तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए फिर लीजिएगा। तो तेल को हम अच्छे से गर्म कर लिए हैं, अब फिर से हम लेते हैं एक एक पीस डाल के देखिएगा, ज्यादा नहीं, दोबारा बैच में भी आपको ट्राई करना होगा कि तेल हमारा ठंडा तो नहीं हो गया कहीं। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं सबको। पर दोबारा बैच भी हमारा थे ना सारा फ्राई हो गए हैं, तेल को हम कढ़ाई में इस तरह से सबको ले लेंगे और यहाँ नाश्ता को हम प्लेट में ले लेंगे।
सारे नाश्ता बनकर यहाँ पर तैयार है, आप देख सकते हैं। और अब भी एकदम काफी गर्मा गर्म है, फिर भी सुन लीजिए इनका आवाज, देख रहे हैं कितना क्रिस्पी बने हैं और इनमें से निकल भी रहा है। अब हम चुपचाप प्लेटिंग करते हैं, बहुत गर्मी है, अब हम किसी का नहीं सुनने वाले हैं। तो बस यहाँ पे प्लेटिंग करें फटाफट से, 4-5 आदमी हम लोग हैं और क्या करना है, एक साथ सब प्लेटिंग करेंगे हम लोग, बैठ के एक एक वही खाएंगे गर्मा गर्म, चाहे जाड़ा हो या ठंडा। नाश्ता ये वाला स्नैक्स तो आपको गर्मा गर्म ही अच्छे लगेंगे, ठंडा होने के बाद तो मजाल है कि अच्छा लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इन्हें प्लेटिंग कर लिए अच्छा से, और अब इनको और खूबसूरती के लिए थोड़ी हरी धनिया से इन्हें सजा ले इस तरह से। हम अच्छे से प्लेटिंग कर लिए हैं और झटपट में कैचअप है, बच्चे लोग के कैचअप बहुत पसंद है, तो यहाँ पे हम कैचअप ही लिया, चटनी नहीं बनाए। आप चाहे तो बिना चटनी के चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, इंजॉय करिए इनको। और हाँ, आप लोग का दिल कहाँ भरेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, टूर करके आपको दिखाते हैं। वाओ क्या बात है, आप करीब से देखिए, एकदम कितना सॉफ्ट है अंदर से ऊपर से क्रिस्पी, देख रहे हैं। और इनको बच्चे लोग के लिए इस तरह से चटनी में भिगोए और बच्चे लोग को दे दे, लीजिए बच्चे हमारे खाएं, इंजॉय कीजिए। और बताइए, जरा सा आवाज़ दीजिएगा कैसे है बने, एकदम बोल रहे हैं एकदम टॉप लगा। थोड़ा सा हम भी खा करके दिखाते हैं आपको, गजब। इस तरह से बनाइए, पूरे परिवार घर में हेल्दी खाना खाइए, बार बार आप लोगों को कहती हूँ बाहर के एकदम मत खाइए, ना बच्चे को खाने दीजिए, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बनाइए और खिलाइए। आज की रेसिपी हमारी कैसी लगी आपको, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, घंटी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की, बाय।